अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम वैशल लुकमान है और बड़ी मशहूर कहावत है कि जिन मुल्कों की अपनी फौज नहीं होती उनके मुल्क में भी फौज होती है, लेकिन वो किसी दुश्मन मुल्क की फौज होती है। तो आज 6 सितंबर है, शुक्र करें कि आपके मुल्क में फौज है और शुक्र करें इस फौज के पास शहदा हैं और शहदा की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि एक एक का नाम लें तो अभी पता नहीं कितने प्रोग्राम चाहिए हमें उसके लिए। लेकिन अगर इन लोगों ने अपनी खून ना दिया होता इस धरती को, हमारे इन जवानों ने, बच्चों ने, अफसरों ने अगर अपनी जान का नजराना ना दिया होता तो मैं और मेरे साथी जो हैं एयर कंडीशन और स्टूडियोज़ में बैठ के हम इतने आराम से काम ना कर रहे होते। अगर अपना मुल्क ना होता तो पता नहीं किसी के जूते साफ़ कर रहे होते और कहीं पे कुछ और कर रहे होते। बट तफसील भी मैं आपको इसकी ज़रा कुछ बताऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अहमद, किसी मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इनको लोग हीरो वर्शिप भी करते हैं। जनरल अमजद शोएब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दफाई तजिया कार, थोड़ी देर में उनके जहाँ पे वो मौजूद हैं वहाँ पे सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए वो थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। फखरे आलम हमारे भाई भी हैं, स्टार भी हैं, सुपरस्टार हैं, बल्कि इन्होंने मुझे कराची से ज्वाइन किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ हम चंद दिन, मसलन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मदर्स डे में बिलीव ही नहीं करता। मेरे ख्याल में हर रोज मदर्स डे होना चाहिए, यानी कौन सा दिन है जिस दिन माँ का दिन नहीं हो, यू नो इट्स एज। इसी तरह यौम शहदा में मैं बिलीव नहीं करता, कौन सा दिन है जब आप उन शहदा को भूल जाएं या उनके लिए दुआ ना करें, उनके दर्जात बुलंद होने की, है कोई ऐसा दिन? बहुत अच्छा है आपका वो है, और मैं आपके साथ सबसे पहले तो मुबशर यही कहता हूँ कि अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि हमें आज़ादी मिली और फिर एक ऐसी अफवाज मिली जो जिस जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। कितने पिछले हम बचपन से, मैं तो एडसन कॉलेज में फाउंडर्स डे का मुझे मार्च पास याद होता है, जो कतारे थे आप जी अभी, और आज भी जो फंक्शन पे जो यौम दफा पे जो मार्चिंग बैंड चल रहे थे, तो ये जरूर मेरे ख्याल में जरूरी है। देखें शायद ये नहीं जरूरी जरूर है, लेकिन मैं कौम के लिए कह रहा हूँ कि आपके सिलेबस में भी होना चाहिए, बच्चों के, आपके हर जगह पे होना चाहिए, इट्स हैज टू बी अ रिमाइंडर। देखिए जो आप कह रहे हैं ना, बात जो मुझे समझ आ रही है कि यूनिटी मुल्क में, यूनिटी अक्रॉस द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड तो होनी चाहिए, लेकिन यूनिटी सबसे पहले बात है, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा फेथ यूनिटी डिसिप्लिन, सही है, तो इसको हमें इनकलकेट करनी है, बैठे बिठाए एकदम यूनिटी नहीं आनी। कायदे आज़म ने फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कहा था, कायदे आज़म ने यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन कहा था। मैं वो नहीं, हम आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को पढ़ता आ रहा हूं, आप उसको पढ़ते आ रहे। एक्चुअली ये ज़ियाउल हक ने चेंज किया था, ये अल्फाज को आगे पीछे जल ज़ियाउल हक़ नहीं किया था, पहले यूनिटी फेथ डिसिप्लिन था। यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं सही, बिल्कुल सही, फेथ तो मेरा और आपका फर्क भी हो सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अपने तिराने में आर्टिस्टिक लाइसेंस लिया कि तंजीम इत्तेहाद ईमान, हाँ, हाँ। मतलब लेकिन बात हम एक ही कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। फखरे आलम, अपना इससे पहले कि हम आगे लेके चले गुफ्तगू को, आपको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमेशा से आगे रहे हैं। मुझे, मैं फखरे का एक जिक्र जरूर करता हूँ ताकि नौजवानों को पता हो कि जब जलजला आया था इस मुल्क में तो मैं फखरे आलम की वजह से बाहर निकला था उस वक्त, ये बड़ा एक मोटिवेटिंग फोर्स था याद हमारे लिए, बिल्कुल याद है। तो फखर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द 6th, दैट इज टुडे ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मुबशर भाई, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो हमेशा की तरह, एंड इट्स ग्रेट टू बी शेयरिंग टाइम विद सलमान हियर एज़ वेल। सलमान की भी बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान की नौजवान असल के हवाले से, और मुबशर भाई आज जहां पाकिस्तान खड़ा है वहां पर आप जैसे बहुत सारे मीडिया के हमारे दोस्तों की कंट्रीब्यूशन रही है कि सच को, हकीकत को, हकायक को और बहुत सारी ढकी छुपी बातों को, जिससे कि आवाम की नज़रों में, आंखों में धोखा जो था वो दिया जा रहा था आवाम को, उस पे से आपने पर्दा उठाया ताकि हम आज यहाँ तक पहुँच सकें। और आज का दिन ऑफकोर्स हमारा डिफेंस डे 6 सितंबर, हमारी अफवाज का दिन, हमारे शहदा का दिन, हमारे गाजियों का दिन, हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन, इन फजाओं में जिसमें हम ये सांसें ले रहे हैं, जिसमें अभी आपने कहा कि एयर कंडीशन स्टूडियोज में बैठे हुए हम शो कर रहे हैं, ये सब कुछ इस वजह से पॉसिबल है कि वो बेवकूफ लोग, वो लोग जो के कहते हैं कि जनाब जो ताने मारते हैं
कहते हैं जनाब वो फौज ने ये कर दिया और इस चीज के पीछे तो वर्दी है। आज कान खोल के मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, मेरे दोस्तों, ये जो आजादी है इसके पीछे वर्दी है। ये इलामा इकबाल का ख्वाब जो जिना साहब की स्ट्रगल के बाद हमें आजादी मिली कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के बाद, उसको मेंटेन करने में जब दुश्मन बार बार ताबक तोड़ हमले कर रहा था हमारे ऊपर मुख्तलिफ नौयत की कोवर्ट वॉर जो हमारे ऊपर डिक्लेयर हुई हुई थी उसको बचाने के लिए इतने मुश्किल तूफान से लौट के हम वहां से यहां तक पहुंचे हैं, ये इस फौज की वजह से है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, मुबशर भाई आपको मुझको या हम जैसे दोस्तों को, जो फौज के बारे में फौज की बहुत ज्यादा कहीं गलती से तारीफ कर देते हैं या फौज के बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं कि जनाब ये देखिए ये तो बूट चाट रहे हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जब आप अपनी औलादों को वर्दी पहन के सरहदों की हिफाजत करने के लिए भेज देंगे ना, और जब आपको अपने बेटे के बदले में एक झंडा मिलेगा या आपके वालिद के बदले में आपको एक झंडा मिलेगा या आपके भाई के बदले में आपको झंडा मिलेगा, उस वक्त आपको एहसास होगा कि ये फौजी और ये फौजियों के मां बाप ये कौन सी जात के लोग होते हैं, तब आपको एहसास होगा कि ये जो आप लिबरल बातें करना चाहते हैं, जो कि मैं सपोर्ट करता हूं, मैं एक सेक्युलर आदमी हूं, लिबरल आदमी हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी लिबर्टी और मेरी आजादी की जमानत एक मेरा एक एक इदारा है, एक फौज है जो हम सबके पीछे खड़ी होती है ताकि हम ये सब कुछ कर सकें। सो हमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं शो करनी चाहिए अपने शुहदा के लिए, अपने गाजियों के लिए, अपने फौजियों के लिए, अपने जवानों के लिए। मैं आपको बताऊं आज सलमान बड़ी इंटरेस्टिंगली, आज मैं एक जगह पे आया इस्लामाबाद में तो वहाँ पीटीआई के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और बढ़ चढ़ कर और बातें कर रहे थे जनाब मैंने ये किया और मैंने उस खान साहब को यूँ समझाया। अच्छा मैं चुप करके सुन रहा था क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी थी मुझे पता था और उनको नहीं पता था क्योंकि वहाँ पे आपको ज्यादातर वो चीज़ों को पता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कितनी कन्वीनियंटली भूल गए ये लोग। मैं इक्वेट नहीं कर रहा 6 सितंबर के लोगों से, लेकिन मैं एक बात पॉइंट स्कोर कर रहा हूँ कि एहसन रशीद की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी या सलोमी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी या उन लोगों की जो अनसंग हीरोज हैं जिनको आज हम उस हमेशा नाम ना पता, जहरा आपा, उनको कितनी बेदर्दी से और उनको शहीद किया गया। अब इसी तरह आप जुनेद जमशेद तो खैर बेचारा अल्लाह ताला उसके इंशाल्लाह ने पाकिस्तान का तराना मेरे साथ मिलकर बिल्कुल उन्होंने कहा वो उस पर करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उन लोगों का जरूर पता है जिनको निशाने हैदर मिले जी जी जी, लेकिन उन लोगों का नहीं पता जिनको ये मेडल्स नहीं मिले लेकिन जान उन्होंने भी दी है जी बिल्कुल, तो उनकी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। सो मुबशर क्योंकि आपने आज बात एक बहुत इंपॉर्टेंट छेड़ी है यूनिटी अक्रॉस द बोर्ड जो आप मुझे समझ आ रही है कि ये ना करें कि ये कहें कि ये ज्यादा मुस्तहक हैं खराज तहसीन के इन लोगों के। देखें जब एक मुल्क बहुत तकड़ा मुल्क होता है ना उसकी अफवाज ऑल आर्म फोर्सेस एयरफोर्स नेवी उनकी रिस्पेक्ट सिविलियंस की उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। और फिर जिस तरह आप अभी आर्मी पब्लिक स्कूल का आज जब मैंने वो देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो जो नन्हे बच्चे वो जो तालिब इलम थे वो जो टीचर्स थे जो पढ़ा रहे थे और उनको किस बेदर्दी से वैसे क्या प्रिंसिपल थी भाई उसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ के गई। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये दिलेरी है ये दिलेरी है। वो फ्रंट पे कभी नहीं जाके वो बॉर्डर पे नहीं लड़ेंगे नहीं उनका काम नहीं था वो उनका काम, लेकिन जब वक्त आया तो आपने देखा कि उन बच्चों ने और उन असातिज़ा ने मतलब आंखों में आंसू आए आज इट वॉज वेरी पावरफुल। और जो आपने बताया कि अभी देखें इलेक्शन कैंपेन के दौरान अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज के कितने शहादतें हुई हैं बलोचिस्तान में इकराम गंदापुर साहब बड़ी अपना बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। तो ये पाकिस्तान के लिए है ना, देखें पाकिस्तान मजबूत कब होगा जब सारे इदारे मजबूत होंगे, अदलिया मजबूत होगी, एग्जीक्यूटिव मजबूत होगा, हमारी अफवाज को स्ट्रांग रखना है और हम एक ही सिम्त में हम चलें सारे। ये ना हो कि कोई डिवाइड एंड रूल का हमारे में, क्योंकि कॉलोनियलिज्म थोड़ी ये मुल्क है अब 70 साल हो चुके, हमें उस हैंगओवर में से निकल आना चाहिए कॉलोनियलिज्म के हैंगओवर में से, हमें देखना चाहिए कि हम साथ किस तरह चल सकते हैं और ओवररीच ना हो किसी भी इदारे की ओवररीच ना हो तो रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की। आज मुझे बड़ी खुशी थी कि खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साथ बैठे हुए थे, कुछ इसमें कोई टेंशन कोई टेंशन और कंस्पिरेसी और टेंशन नहीं नजर आ रही थी, लगता था यार कि एक मुल्क बैठा हुआ साथ।
वो अपना जो है ना मियाँ साहब होते हैं तो उनके लिए बड़ा तकलीफ देह मरहला होता है कि आर्मी चीफ मेरे साथ क्यों बैठे, वो यार नाल क्यों बैठे, बीच अपना स्क्रीन खड़ी करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि हमेशा उनको इनसिक्योरिटी जो कहते हैं एहसास कमतरी का शिकार थे मियाँ साहब जो थे। मैं खैर आज पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहता, नहीं वैसे भी वो पॉलिटिक्स नहीं है, मियाँ साहब का तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, वो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी नहीं, वो लेसन ऑफ हिस्ट्री है। सही है, आपको मैं बताऊं कि जो, और ये मैं सीरियस कह रहा हूँ, कि जो कौमें अपने बुरे वक्त से नहीं सीखती वो फिर अच्छा वक्त नहीं आता उनके ऊपर। आपको अपनी हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। आपके शहदा जो है ये भी तारीख आप सीख रहे हैं ना, आप तारीख को रीलिव कर रहे हैं, तारीख को आप पढ़ रहे हैं। अ वेरी क्विक वर्ड ऑन द तराना दैट यू मेड विद जुनैद जमशेद, मैंने सुना तो है उसका एक जो आपने मुझे भेजा था, बड़ा वो कैप्टिवेटिंग है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नया पाकिस्तान एक ख्वाब था जो मैंने 2013 में लिखा, और जुनैद क्योंकि ऐसी रास्ते पे चले गए थे कि कभी वो गिटार्स और ड्रम्स के पास आते ही नहीं थे, लेकिन अजीब बात थी दोस्ती, ये भी दोस्ती का भी एक बहुत इसमें वो है एलिमेंट, कि जब मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था जुनैद स्टूडियो में आ गए और उन्होंने सुना, कहता है यार ये किसी तरह मुझे इसका हिस्सा बना ले सलमान, तो मैंने कहा तो क्या है, कहता है कि शुरू में और आखिर में बगैर म्यूजिक के मैं आवाज़ अपनी दे देता हूँ, सिर्फ शुरू का टुकड़ा इंशाल्लाह नया पाकिस्तान आखिरी। मैंने कहा डन हो गया। अच्छा वो हमने रिकॉर्ड किया और वो माशाल्लाह ऐसा वायरल हुआ और इतना बड़ा, लेकिन अगर मुझे कोई ये बता देता कि ये आखिरी तराना जुनैद जो है पढ़ रहे हैं और वो शहीद हो गए 2016 में दिसंबर में, और आज मैं समझता हूँ नया पाकिस्तान के अंदर जब वाकई अब नया पाकिस्तान शुरू हो चुका है सफ़र, तो जुनैद सबसे ज़्यादा खुश होता और मैं महसूस भी करता हूँ कि वो हमारे साथ है और वो खुश है। जल शोएब, वेलकम टू खरा सच, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा तल्ख बात से शुरू कर लूँ, क्योंकि इन दोनों से तो मैंने ये बात नहीं करनी थी, आपसे ही मैं करूँगा, आपको अगर इजाज़त देंगे आप, क्योंकि तल्ख बातें हैं ये। पाकिस्तान में एक बहुत आम फहम, पाकिस्तान में आम फहम एक तासुर और प्रोपेगेंडा जो दिया हुआ है पॉलिटिशन से, वो ये कि फौज जो है हमारा मेजर बजट खा जाती है, लेकिन मैं आज क्लेम कर रहा हूँ कि पूरी अफवाज, पूरी की पूरी अफवाज जो है उनका टोटल बजट 17.63% है, और फौज की जो बेसिक ज़रूरियात हैं, मैं बेसिक फंडामेंटल ज़रूरियात की बात कर रहा हूँ, मैं दिफाई कदरों की और उनकी आर्मामेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं, और ये बस अपना सफ़ेद पोशी का अगर कोई लफ्ज़ है या फ्रेज तो इस फौज के लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि सफ़ेद पोशी से ये गुजारा कर रहे हैं। और 3600 किलोमीटर का हमारा एक्टिव बॉर्डर है, 3600 किलोमीटर का एक्टिव बॉर्डर का मतलब है सलमान एंड फ़खर के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट एक्टिव बॉर्डर है, और उस तनासब से हमारी फ़ौज जो है तकरीबन 6 लाख जो है कम है, मैं 6 लाख की तादाद में और चाहिए हमें, ये नहीं मैं कह रहा कि 6 लाख अफवाज कम है, एक्चुअली आपकी 1.2 मिलियन होनी चाहिए इस एरिया के हिसाब से जब आप दूसरे मुल्कों को देखते हैं। तो फिर यहाँ पे एक एंटी आर्मी ये क्यों पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो स्पिरिट है, जो खासतौर हमारे सो कॉल्ड लिबरल हैं, कभी को तिलक लगा के फिर रहा है या फिर रही है, या को बालियाँ पहन के फिर रहा है या फिर रही है, ये सारे लोग जो अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, ये पहली चीज पाकिस्तान फौज को क्यों बुरा कहते हैं? जल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये तो कुछ अंदाजा नहीं कि इनको बाहर से किसी ने ये मिशन दिया है या खुद यहां पे इनके जहन जो है वो परागंदा हुए, क्योंकि ये मुझे पता है कि नैरेटिव सबसे पहले इंडिया से चलता रहा है। मैं आपको बाज नैरेटिव बताता हूं। सबसे पहले इंडिया ने कहना शुरू किया कि गुड और बैड तालिबान है, पाकिस्तान सिर्फ गुड तालिबान को छोड़ते हैं, बैड इन्होंने वो हैं जो इनके खिलाफ काम नहीं करते। ये इंडिया से नैरेटिव चला, फिर इंडिया से ये नैरेटिव चला कि जी सिविल गवर्नमेंट जो हैं वो तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहती हैं, लेकिन आर्मी उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। जो लोग इस पर रट लगाते रहे कि जी पाकिस्तान में फौज रुकावट है, उनको शर्म आनी चाहिए थी। यहाँ बड़ी अभी आज की मिसाल, नवजीत सिंधु यहाँ पे आया, किस मोहब्बत से उसका यहाँ पे इस्तकबाल किया गया, वो बड़ा खुश गया, अपने मुल्क में जूते खा रहा है नफरत की वजह से, सिर्फ इसलिए कि तुम पाकिस्तान में क्यों गए हो। और जो पाकिस्तान की वहाँ पे उनके आदमी उनके उनके मुल्क में कोई तारीफ कर दे, वो उसको वहाँ पर मारते हैं। आप क्रिकेट नहीं खेल सकते उनसे, हॉकी नहीं खेल सकते, जो कि बेजरर चीज़ें, खेल का मैदान। तो जिस ये ताल्लुकात को अच्छा करना तो दो तरफा अमल होता है ना। पाकिस्तान में तो कोई रुकावट नहीं बनी हुई,
लेकिन इंडिया ने अपनी नफरतें जो पाकिस्तान के खिलाफ रखी हुई हैं उस पर नैरेटिव ये बना दिया, और ये जो आप बिंदिया लगाए हुए लोग कहते हैं वो लोगों ने ये नैरेटिव पाकिस्तान में चलाना शुरू कर दिया। फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये अफवाज बनाती हैं, ये भी बाहर से आ गया किस्सा। बजट सारी कौम का ये खा जाते हैं, वो भी बाहर से। मैं और तो और छोड़ दें, मैं मुबशर आपको बताऊं, पिछला बजट जब पेश हुआ तो सेनेट में रजा रब्बानी साहब ने सिर्फ एक सवाल किया कि मुझे बताया जाए कि फौज का बजट जो है वो पिछले साल तो 990 या 992 अरब रुपए थे, अब ये 1000 से ऊपर कैसे चला गया। उस शख्स ने ये नहीं पूछा कि भाई ये जो आपने सर्कुलर डेट है ये 1 ट्रिलियन से ऊपर कैसे चला गया। उसने ये नहीं पूछा कि जो PIA रेलवे ये वो जो गवर्नमेंट के अदारे थे स्टील मिशन, इनका जो घाटा था वो 1 ट्रिलियन से ऊपर कैसे चला गया, 5 सालों में आपने ये क्यों नहीं ठीक किया। उसने ये नहीं पूछा कि भाई आपका कर्जा इतना क्यों चला गया, आप जो डेट सर्विसिंग कर रहे हैं उसमें आपको इतना ज्यादा देना पड़ रहा है। आपने ये नहीं पूछा कि आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी, आप पहले से कम आमदनी कैसे हो गई आपकी, आपने टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ाया। ये वो दुख हैं जो नफरतें फौज के खिलाफ भरी हैं और बाहर के नैरेटिव हैं जो यहां पे लोगों के दिलों में उतरे, और वो उतरे सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर अपना बॉक्स था। जो लूटमार करने वाला तबका है वो ये सोचता है कि अगर उनके रास्ते में कोई रुकावट बन सकती है चीज तो पाकिस्तान की आर्मी है, अगर ये इसको हर वक्त दबा के रखा जाए तो फिर आपके लिए मैदान खुला है, जो जी चाहे करते रहे। अब चीज ये है कि लेकिन जलसा एक मिनट जी, फरमाए जी। मैं ये कह रहा था कि आज जब इमरान खान साहब ने तकरीर की तो मैं इस चीज पे बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है इसमें खराबी वाली मिथ यानी अफसाना था ये। और ये हकीकत है, मैं हमेशा से कहता हूं कि जब इमरान खान ने धरना किया, जब धरना किया कादरी साहब ने, तो इन्होंने शोशा खड़ा कर दिया कि जनाब नून लीग ने कि इसके पीछे खुफिया हाथ। वो खुफिया हाथ का किस्सा पार्लियामेंट में ऐसा चला और सारे उसके पीछे लग गए, इनके काले करतूत छुप गए, किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तूने 14 लोग जो मारे वो खुफिया हाथ ने कहा था तुम्हें, और जो FIR नहीं तो उनकी दर्ज करते वो तुझे खुफिया हाथ ने कहा था कि ना करो। और इमरान खान कहता है 4 सीटें खोल दो, वो नहीं खोल रहे तुम। नौबत यहां तक आ गई कि 14 लोगों की FIR जो मार दी, उनकी FIR दर्ज कराने के लिए उसको 76 दिन का धरना करना पड़ा और इमरान खान को 120 दिन का धरना करना पड़ा सिर्फ वो 4 सीटें खुलवाने के लिए। वो नहीं पूछा किसी ने, वो खुफिया हाथ के पीछे ढूंढने। जो ये खत्म नबूवत वाला किस्सा 50 साल से सेटल्ड इशू था, जब खादिम रिजवी ने आके यहां पे धरना दिया तो फिर शोर मच गया कि जी पता नहीं फौज ने करा दिया ये। वो खुदा के बंदो सोचो तो सही, ये फौज ने कहा था कि भाई तुम ये खत्म नबूवत का किस्सा खोल दो। ये जितने काले करतूत थे उनको छुपाने के लिए हर दफा ये यही काम करते रहे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मियां साहब अपने बुख से अपने दिल के जख्म से जो मुशर्रफ की वजह से उनको लगा उससे बाहर नहीं आ सके और उन्होंने अपनी कौम का सुकून बर्बाद करके रख दिया। अपनी मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि मुशर्रफ ने उनको कुछ जख्म पहुंचाया। मुशर्रफ ने अपने मुल्क को बचाया, मैं ओन कर रहा हूं जनरल मुशर्रफ को, आई मीन मैं उनके साथ था उस वक्त, उन्होंने जो कुछ किया नवाज शरीफ को उनकी खत्म कर गया था इस मुल्क ना, एक जाति मसला था ना। हाँ ठीक है, उनको वो हमारा प्रेसिडेंट है, देखिए ना मियां साहब एक हद तक हम उनको मैं जो शख्सियत समझ सका हूं उनकी, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि वो सींग फंसाए बगैर रह नहीं सकते। दूसरा चीज ये है कि उनके हिसाब में माफी नहीं है, बुक्स कैरी करते हैं वो, बेशक मुल्क को कौम के जितना नुकसान होता रहे लेकिन उनका अपना बुक्स कायम रहना चाहिए। और तीसरी चीज जो उनकी है वो ये समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं, जो वो मुंह से निकालें वो कानून है। उसका बड़ा वाजे आपके सामने एक उसकी डेमोंस्ट्रेशन हुई जब गुलाम इसहाक खान के साथ मसला आया तो उन्होंने तकरीर करके कहा जी मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। भाई वो एक आईनी होता है, उसका राइट है, तुम सदर को कैसे कह सकते हो। और यहां पे अभी पिछले दिनों ये कह दिया कि अगर मेरी आमदन और मेरे असासों में कोई फर्क है तो तुम्हें क्या, तुम कौन हो। ये वो चीजें हैं जो उनके लिए मसाइल पैदा करती हैं। तो आपके शो का नाम ही खरा सच है जल साहब, मैं एक मिनट सलमान साहब बात करें जी। जी मैंने कहा कि आपके शो का नुआनी खरा सच है और मैंने आपको
देखा है कि आप दिलेरी से आपने स्टैंड लिया है, हर जो भी कोई करप्शन, मेरा दोस्त है यार, मैं नहीं अपने दोस्त के खिलाफ सुनूंगा बात, खत्म बात। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जनरल साहब की बात को आगे ले जाने के लिए। देखिए, अगर हम जब कहते हैं ना सिविल मिलिट्री, एक बड़ी ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक है सिविल मिलिट्री, ठीक है। देखिए, सिविल में भी अच्छी लीडरशिप आती है, अच्छी क्यादत आती है और बुरी क्यादत भी आती है, और इसी तरह मिलिट्री में मैं कहूंगा, देखें कि जो नवाज शरीफ साहब को कौन लाया था, आपको पता होना चाहिए वो हिस्ट्री पूरी, आपको पता है कि उनको तो आर्मी की गोद के अंदर खिला के उनको बनाया गया। बोडो साहब कैसे आए थे? लेकिन वो भी ऐसे ही आए थे? नहीं, लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज जब मुझे नजर आया कि कायदे आजम को जिन्होंने अपना हीरो बनाया वो आज वजीर आजम है, ठीक है। खान साहब शुरू से कहते रहे आजम को जिसने हीरो बनाया वो आर्मी चीफ भी है। मैं यही तो आप, कायदे आजम को जिसने हीरो बनाया वो आपका चीफ जस्टिस भी है। नहीं, लेकिन मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सुनहरा मौका है इस वक्त, अल्लाह करे कि ये सस्टेनेबल रहे, इंशाल्लाह करेगा, कि कायदे आजम के रोल मॉडल जो कायदे आजम रोल मॉडल थे उन पे वजीर आजम आज के इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया। तो ये क्या है कि लीडरशिप हर उस, ये नहीं है कि सिविल मिलिट्री एक बड़ी मोटी सी बात। मैं आपको एक बात बताऊं ब्रेक लेने से पहले, मैंने जब तस्वीर देखी है ना कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक डिप्टी सेक्रेटरी ने रिसीव किया है, मुझे दिल से खुशी हुई है। ठंड पड़ी है कि जो हमें जेएफके पे खड़ा करते थे ना, बिल्कुल, वो आज बदला, मेरा बदला जो है वो उतारा फौरन से। बट मानेमन मेरे साथ हैं, फखरे आलम मेरे साथ हैं, जनरल अमजद शोएब मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि पीर से प्रोग्राम खरा सच का वक्त चेंज हो गया, ये 8:03 पे होगा इंशाल्लाह, और खरा सच समा टेलीविजन पे पीर से जुमेरात 8 देखिएगा। बट एक ब्रेक के बाद आता है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फखर, आप हमारी बातें सुन रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मुबशिर भाई, आई थिंक मैंने जो ओपनिंग में कह दिया है तो सब कुछ ही कह दिया है, और जो मैं चीज पे जिसपे मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा होता हूं कि किस तरह जो है वो कुछ लोग जो हैं वो कितने आराम से डिसमिस कर देते हैं, नहीं रियलाइज करते कि जो हमारे जो जवान हैं या जो हमारे अफवाज पाकिस्तान तमाम आर्म फोर्सेस के लोग हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने ये कुछ अरसा पहले एक लाइव ट्रांसमिशन की थी चमन बॉर्डर से, और मैं वहाँ पे बॉर्डर पे था फोर्सेस के साथ हमारी, मैंने उनके साथ बैठ के खाना खाया। जो आउट चेक पोस्ट, जो बाहर वाली चेक पोस्ट होती है उसके ऊपर, वो तो मैंने खाना, वो रोटी थी जो पहले डिलीवर हुई थी एक शाम पहले, वही रोटियां थी, एक लफा उसके अंदर अखबार के अंदर लिपटी हुई, और पानी जो था वो घड़े के अंदर रखा हुआ था, और ये गर्मियों का महीना था मुझे आज तक याद है, और वो अपने मोर्चे में बैठे हुए थे। तो मैं ये, और कहा सर आप हमारे साथ खाना खाएंगे? मैंने कहा हाँ खाएंगे। अभी मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, तो एक लड़का जो था वो दाल उबाल रहा था, चूंकि उतना उसके पास छोटी केटल थी पीछे जी, और रोटी जो थी वो वही थी जो 2 दिन से या 1 दिन पहले की अखबारों में उनको पास बल्क में डिलीवर हुई थी कि भाई यही अब आपकी रोटी है जितनी आपकी ड्यूटी है वहां पे। तो ये लोग क्यों नहीं रियलाइज करते कि हम जो इस तरीके से ये जो हम फजूल की बातों में एंगेज हो जाते हैं। देखिए सुने, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप भी एविएटर है, मैं भी एविएटर हूं, आपने कभी C-130 को देखा है? कभी आपने C-130 को अंदर से देखा है? कभी आपने उसको फ्लाई किया है? सलाम है उन पायलट्स को, उन इंजीनियर्स को, उन मैकेनिक्स को जिन्होंने उनको आज भी एयर वर्दी करके रखा हुआ है। उन्होंने नहीं कहे कि जी हमें जो है वो नए AW-139 जो है ना लग्जरी हेलीकॉप्टर्स ने, उन्होंने नहीं कहा कि हमें जो है वो नई बुलेट प्रूफ एस क्लास की गाड़ियां और एएमजी की मर्सिडीज की जीपें जो है वो दें, और हमें 1100 के अंदर वो दें, मेंटेन करके उड़ा रहे हैं जी। और आप विराजेस जो कि पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो डिसॉल्ट वाले जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद हैरान होते हैं कि ये किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको मेंटेन किया हुआ है अभी तक। जी जी जी, आपको पता है ना, मैंने कहा मिराज की उम्र की तो बसें भी डिसमेंटल हो गई हैं, जवान जो है वो लगे हुए उनके अंदर हो गए। मुझे बताएं, उन माओं से पूछें, उन बेगमात से पूछें जरा जाके, उनकी आंखों में आंखें डाल के पूछें कि ये जो आप जब अपने बड़े आराम से जो है आप पास कर देते हैं अपने लिबरल रिमार्क, बड़ा सिंपल सवाल है, खुदा का खौफ करो, कभी उनसे जाके पूछो कि यार जब आपकी बेगम, आपका जो भाई होता है या बेटा होता है या मियां होता है वो जब ये फ्लाइंग कर रहा होता है, जब वो मिशन के ऊपर गया होता है, जब वो जाता है और आपको पता नहीं होता और वो आपको बता नहीं सकता कि वो क्या करने गया हुआ है, मुल्क की सलामती
سلامتی کے لیے. اور پھر اگر آپ کو یہ خط لکھا ہوا آ جائے یا آپ کو اطلاع ہوگی جی معذرت کے ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کا جھنڈا ہے آپ کے بھیجا تو اپنا بیٹا تھا. ایک منٹ آگے سے اچک صحیح جیسا کوئی آدمی آپ وہ کہہ دے کہ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے اس کام کی, پھر کیسا فیل ہوتا ہے سلمان؟ مبشر بھائی اگر اس کو تنخواہ ملتی ہے, اگر اس فوجی کو تنخواہ ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں عزت کی حلال کی روٹی دے سکے, ان سے یہ پوچھیں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج میری گاڑی کو ایک وی آئی پی پروٹوکول نے مارا. آپ نے دیکھا ہے میں نے ٹویٹر کے اوپر وہ لگایا ہوا ہے کہ وہ مجھ سے تو وہ میرے پاس تو میرے سے تو معافی مانگنا شروع ہو گئے. 40 سال میں مجھے ترس آ رہا تھا کہ اس کے پاس نہ لائسنس تھا نہ اس کے پاس اس کی آئی ڈی کارڈ تھا, لیکن اس پہ مجھے ترس آ رہا تھا. اس کا جو باس تھا وہ بھاگ گیا اس کو وہاں پر چھوڑ کے. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس ملک کے جو 100 چیمپئنز ہیں, جو جمہوریت کے اتنے بڑے چیمپئنز ہیں, ان سے کوئی یہ پوچھے خدا کا واسطہ مجھے یہ بتاؤ کہ اچھا وہ تنخواہ لیتا ہے تو تم جو یہ سب کچھ فری میں کرتے ہو, تم یہ جو سب کچھ فری میں کرتے ہو کیا پاکستان کے لیے؟ سلمان سے مجھے پوچھنے دیں, تم جو اپنے جو کارنامے انجام دیتے ہو وہ تم فری میں کرتے ہو؟ جی فخر ایک منٹ ڈاکٹر صاحب. مبشر یہ میں جو فخر کہہ رہے ہیں اور جو جنرل صاحب نے بات کی آپ نے اس کو بات کو چھیڑا, ایک جو چیز ہمیں چاہیے اس ملک میں یونٹی اکراس دی بورڈ کے لیے کہ ہماری جو نیشنل میڈیا ہے ملک کی, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ انگریزی کی ہے چاہے وہ اردو کی ہے پنجابی کی ہے جو بھی, ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے ہمارا نیشنل انٹرسٹ جس طرح پاکستان ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہمارا سافٹ پاور جو اس ملک کا ہے, ٹھیک ہے, جو رائٹرز انٹلیکچوئلز آرٹسٹ فلم میکرز چاہے وہ دنیا میں جو بھی کریں ہمیں نہیں فرق پڑتا, لیکن ہمارے لیے تو وہ نمبر ون ہونے چاہیے نا. اب میں آپ کو اس کا ایگزامپل یہ دیتا ہوں. 2009 میں آئی ڈی پی کرائسس ہوئی, ٹھیک ہے, سوات ویلی میں. میں یو این گڈ ول امبیسڈر تھا, میں بانکے مون کے پاس گیا جو سیکرٹری جنرل تھے. میں نے کہا جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ گیو وائس ٹو دا وائس لیس, ٹھیک ہے, تو میرے ملک میں اس وقت ایک آئی ڈی پی کرائسس ہے کہ یہ انتہا پسند دہشت گرد جو ہیں وہ ایک سب سے خوبصورت جگہ ہے پاکستان کی سوات, اس کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں بائی وہ, ٹھیک ہے, اور یہ جنگ ہو رہی ہے, تو آپ مجھے موقع دیں کہ ایک بین الاقوامی پلیٹفارم پہ میں بات کر سکوں. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کانسرٹ فار پاکستان یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو مصیبت پڑ جائے گی کیونکہ ساری جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ کہیں گی جی کہ آپ نے کانسرٹ فار پاکستان اگر کروا دیا تو کل کو کانسرٹ فار اسرائیل بھی ہوگا, کانسرٹ فار جاپان بھی ہوگا, کانسرٹ فار انڈیا بھی ہوگا. میں نے کہا جی دیکھیں, یا تو آپ مجھے جو آپ نے کہا ہے یو این گڈ ول امبیسڈر میں بات اچھالوں, یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ چپ ہو کے بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں اوکے. بڑی مشکلوں سے انہوں نے الاؤ کیا September 9, 2009. اچھا وہ اتنا زبردست پاکستان کی ایک پروجیکشن ہوئی اور ایشو کو ریز کیا, آرٹسٹ تھے پاکستان سے لوگ آئے تھے 2009. میں نے دیکھا ہماری میڈیا نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی بالکل. یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کیا یہ چاہتے نہیں کہ پاکستانی جو ہے انٹرنیشنل پتہ بھی نہیں ہوگا یار. نہیں ہم نے بتانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اس میں کوئی شاہ رخ خان نہیں آیا تو ہمیں کیا پڑی ہوئی کرنے کی, ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یار راجیش کھنہ کی میت نہیں آئی. بالکل امیتابھ بچن کی شادی تیسری نہیں ہوئی, یا مادھوری ڈکسٹ جو ہے انہوں نے ان کا موچ نہیں آئی تو فرنٹ پیج بھی نہیں ڈال سکتے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. حالانکہ وہاں سی این این آیا ہوا تھا, انہوں نے کیا, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یار یہ پاکستان میں تو کوئی کوریج نہیں مل رہی اس چیز کو. تو یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں یونٹی اکراس دا بورڈ کہ جہاں سول ملٹری کی بات ہو رہی ہے سول میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. تو اس لیے کہ پاکستان کا سافٹ پاور کیا ہے اس کو پروجیکٹ کیا جائے. اچھا جل صاحب جیسا سلمان صاحب کہہ رہے ہیں نا سافٹ پاور, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرم کو چینج ہونا چاہیے پاکستان کا ریئل پاور کیا ہے, کیونکہ ایکچولی دیٹ از دا ریئل پاور اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باہر نکل رہے ہوں نا جب کہ جناب تو لوگ ہم سے آٹوگراف بھی لیتے ہیں سیلفیاں بھی کرواتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ علی ظفر آ جائے, اگر وہاں پہ عاطف اسلم آ جائے, اگر وہاں پہ ماہرہ خان آ جائے, تو سارے ان جو ریئل سٹارز ہیں نا اس ملک کے وہی ہیں جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریئل سٹارز وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا یا اس ملک کے لیے روز رات کو جاگے ہوتے ہیں تاکہ آپ اور میں یہاں بیٹھ کے ڈبیٹس کر سکیں. ان دونوں کو ہم نظر انداز کریں ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ جل صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے سوسائٹی کو. میں 1965 کی جنگ کی بات کرتا ہوں. میں قصور سائٹ پہ ڈپلائڈ تھا اور لازماً آپ سوچئے کہ گھروں سے دور لمبے وقت کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر فیلڈ ایریا رات کو وہاں پہ فائرنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی.
इन हालात में, जब सीज फायर के दिनों की मैं बात करता हूँ, इन हालात में वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं और वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता था। तो लाहौर शहर से बहुत सारे लोग वॉलंटरीली आर्टिस्ट लेके आते थे और हमें पहले इतला दे देते कि आज शाम को हम आर्टिस्ट लेके पहुँचेंगे और आपके एरिए में आएंगे, आप बराए मेहरबानी स्टेज वगैरह लगा लें, उन्हें इंतजाम कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो इतना जज्बा और इतना जोश उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से होता था और वो लोगों में, हमारे सिपाहियों में, ऑफिसर्स में घुल मिल जाते थे, इनके साथ गप, उसके साथ गप, मिल के चाय पी और खाने इकट्ठे, खाने का अरेंजमेंट ऑफकोर्स फौज ने किया होता था। वो हर 5-6 दिन के बाद लाहौर से कोई ना कोई ग्रुप आ जाता था, तो ऐसी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट भी रहती थी, खून गरमाने वाले नगमे भी होते थे, वो स्किट्स भी छोटी मोटी करते थे और साथ ये है कि फिर वो वहाँ पे जब वो 2-4 घंटे साथ गुजारते थे तो वो आर्टिस्ट जिनको आप उमूमन रेडियो पे उस ज़माने में सुनते थे, टेलीविजन तो बड़ा कम था, उसका रेडियस ही बड़ा थोड़ा था, कवरेज बहुत कम था, तो वो आपके दरमियान नज़र आते थे लोगों को, तो बड़ी खुशी होती थी। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने भी अपना एक बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया और वो मोहब्बत दी हमारे जवानों को, जो मैं समझता हूँ उस वक्त तो उसकी ज़रूरत थी उनके हौसले बढ़ाने के लिए। तो ये ठीक है, मेरे साथ हैं, मैं एक सलमान अहमद भी मेरे साथ हैं, फखरे आलम भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और जब हम ब्रेक पता ना, सलमान अहमद मेरे यहाँ पे, वो सारी बचपन की अपनी बातें रिकलेक्ट करा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि हम वैसे हम एक्चुअली पिछली सदी में पैदा हुए थे। शुक्र है देखा, पिछली सदी में नहीं, ना फेसबुक थी, ना ट्विटर थी, ना ये बचपन बच गया, हम गया। हमारा मैं और फखर, हम तो खुदकुशी कर लेते हैं अगर फखर आपका भी यही हाल था ना, अगर फेसबुक होती तो क्या होता। सही बात है, अल्लाह ने कितने हमारे यानी मेहरबानी कर दी, यही मैं कह सकता हूँ। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह रहा था बिल्कुल। वो ना मुझे जब बता रहे थे, देखिए मेरी आपकी भी फैमिली में होगा ये, फखर की फैमिली में भी होगा, कितने लोग आर्मी एयरफोर्स में, मेरे मामू ग्रुप कमांडर फारूक खान शहीद, आप ये समझे कि मेरे घर में जितने मर्द हैं स्वाय मेरे सारे फौजी। हाँ, तो हमारी तो देखिए एक ही सिविल मिलिट्री, एक ही चीज रही, ये नहीं अलग था, इट ऑल वन। लेकिन जो मैडम नूर जहां के तराने हैं, पैंस सटके, ए पुत्र हटाने नहीं बिकते वतन के सितले जवानों, मतलब अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं तो मुझे तो जी ये है मोहब्बत जो सिविलियन की, आर्टिस्ट की मोहब्बत मुल्क के साथ। यार नेशनलिस्ट हैं और नेशनलिस्ट हैं हम, और बहुत डीपली नेशनलिस्ट हैं। देखिए पता कब लगता है, नुसरत फतेह कितने बड़े नेशनलिस्ट खान साहब देखे नहीं सारे, मेहदी हसन, ये अभी की, ये बिल्कुल जल साहब ने सही कहा था, इंडिया का नैरेटिव है जो यहाँ पे चंद लोग जो है उसको टो करते रहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों करते हैं, क्या पैसा मिलता है? पैसा भी मिलता है और उनको फिर वहाँ पे काम मिलते हैं। भाई देखे ना आप, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका कवर आ रहा है मुबशर जी, जल साहब हेलो जी, मैं ये कह रहा हूं, देखें मैंने तो ये देखा है कि इनको रिटर्न टिकट दी जाती है इंग्लैंड की, 3 दिन का स्टे दिया जाता है और जो जी चाहे इनके मुंह से कहलवा दिया जाए। हुसैन अकानी यही करता रहे वहां पे इंग्लैंड में सेमिनार अरेंज करता है, वो अल्ताफ हुसैन ने स्पॉन्सर की थी, वो 3-4 दिन का स्टे होता है और वहां जाके जितना कुछ आपने बुलवाना है इनसे खिलाफ उसके, वो आप करवा लो उसके खिलाफ। तो टोटल वर्थ ये है लोगों की। ये वेरी क्विकली मैं आप तीनों का जहां पे मैंने शुक्रिया अदा करना है, आप हर वक्त इल्जाम तराशी जिसका आपको ना इल्म है ना आपके पास कोई वो उसकी तहकीक है, तो उससे क्या हुआ? यही वो थर्ड जनरेशन जो जिसे फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं, उसमें बुनियादी तौर पे है यही ठीक कि बाहर से एक नैरेटिव व्हाट्सएप पे। और सलमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा चलते चलते, आप लोगों ने सुने होते हैं, हम लोग बात सुनते हैं, बड़ी कॉमन सी बात लगती है, लेकिन एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना उम्मीदी जो है वो गुनाह है। बिल्कुल, और एब्सोल्यूट ना उम्मीदी एब्सोल्यूट गुनाह है।
इससे भी कोई शक नहीं रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव होना है, हमें और तब्दीली, आपको मैं एक बात कहूँ, इमरान खान ने नहीं करनी है, ये गलत फहमी है आपकी कि इमरान खान से तब्दीली आएगी, तब्दीली आपसे आएगी, मुझसे आएगी, हम सबसे आएगी, जब हम चेंज होना चाहेंगे तो पूरा मुल्क कलेक्टिवली चेंज हो जाएगा, एक शख्स के कहने से फर्क उस वक्त पड़ेगा जब मैं और आप खुद भी चेंज होना चाहेंगे। और आज 6 सितंबर का दिन है, आज कुर्बानियों का दिन है, तो आज कम से कम ये अहद तो करके उठे, एक स्टूडियो में कम से कम 2 लोग तो ये अहद कर चुके हैं, और आप भी करिएगा कि हमने ये जो तब्दीली है अक्रॉस द बोर्ड आएगी, यानी सिर्फ नवाज शरीफ को सज़ा नहीं होनी, सिर्फ एक लीडर को सज़ा नहीं होनी करप्शन के लिए, इस मुल्क में जो जो करप्ट रहा है, और मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उस सबके ऊपर जो है इसी तरह से कदगन लगनी चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। अब इस मुल्क में किसी के साथ यानी मुल्क लूटने वाले के साथ किसी तरह से भी रहम नहीं होना चाहिए। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि पीर से जुमेरात अब आप खरा सच देखेंगे रात को 8:03 पे सिर्फ समा टेलीविजन पे। वेयर एवर यू आर बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।